आज की वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ। हाल ही में मेरी सब्सक्राइबर ने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, और इस बारे में आई थिंक आप लोगों को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लड़की हो। इनफैक्ट अगर आप लड़के हो तो भी आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखनी चाहिए, बहुत कुछ देखने और सीखने को आपको मिलेगा। इस बारे में माँ भी नहीं बता पाती है, पेरेंट्स बात नहीं करते हैं, और लड़की की लाइफ के साथ बहुत गलत हो जाता है। तो आप किसी की लाइफ में गलत होने से पहले उसको रोक सकते हो ये वाली वीडियो या ये वाले इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करके। सो आप अब तक बहुत सारी मेकअप, DIY, ब्यूटी, फैशन हैक की वीडियोस देखते आए होंगे। ये सारी वीडियोस मैं भी बनाती हूँ, पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं करके जाएगी, टेम्पररी चेंज होगा। कुछ हैक किया, आपको फायदा मिला, ठीक है, आपकी मुसीबत थोड़ी आसान होगी, लेकिन जिंदगी भर का एक हैक बताने वाली हूँ जो आपको लाइफ में कभी रोने नहीं देगा। वो वाला हैक आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करते हैं गर्ल्स टॉक के बारे में जो कि बहुत जरूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी छोटी छोटी वीडियोस के लिए मेरा नया चैनल है रेखा शर्मा, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्विक मेकअप हैक, जब भी आप मेकअप करो सबसे पहले कंसीलर जरूर लगा लो। इंडियन स्किन टोन पे अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो ऑरेंज कलर करेक्टर काफ़ी अच्छा होता है। एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का न्यूली लॉन्च स्ट्रोब क्रीम, जो कि मल्टीपर्पज़ है, एज अ हाइलाइटर वर्क करता है, एज अ मॉइस्चराइजर स्किन रेडियंट करता है, लाइट वेट है, ब्लेंड अच्छे से हो जाता है, और ये 3 डिफरेंट शेड्स में आता है। इसका अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है, ज़रा सा आप अपने फेस पे लगा लो। फाउंडेशन लगाने से पहले आप लगा सकते हो या फिर फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके लगा सकते हो। शीन कवरेज आपको दे देता है, या डायरेक्टली एज अ हाइलाइटर भी इसको आप अपने हाई पॉइंट्स पे लगा सकते हो, इससे फेस काफ़ी ज़्यादा रेडियंट दिखता है। सो किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये 3 डिफरेंट शेड्स में आते हैं, पिंक, रोज और गोल्ड में। मैंने यहाँ पे गोल्ड वाला लगाया है, बहुत अच्छा इंडियन स्किन टोन पे सूट कर जाता है। क्रीम बेस फॉर्मूला है, इजीली आपके स्किन में ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर और हाइलाइटर का काम करता है। फॉर्मूला इसका बहुत स्मूथ है, लाइट वेटेड है, क्रीमी फिनिश है, ट्यूब पैकेजिंग में आता है। NYB प्रो स्ट्रोब क्रीम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ क्लिक करके अपने लिए परचेज कर सकते हो। ये लगाने के बाद जब आप मेकअप करते हो, फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हो, या BB क्रीम, CC क्रीम भी लगा लो, सो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा ड्यूवी फिनिश में आता है, बहुत हाई शाइन मिलता है, और मॉइस्चराइजेशन भी, और स्किन में रेडियंट ग्लो आता है। आई हैव गिवन ऑल द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड शॉप। सो रिसेंटली जो मुझे मेल आया उसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा मेल था, मैं सारी बातें आपको एक एक करके नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप देखो रियल लाइफ में क्या होता है, ये रियलिटी है। DIY हैक ब्यूटी ठीक है, वो काम चलाओ, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ ये कि मेरी सब्सक्राइबर ने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी स्टोरी बताई, ठीक है। सो उन्होंने बताया कि वो अच्छे से पढ़ी लिखी हैं, वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है। सो मेरी सब्सक्राइबर अपने क्लास में, अपने स्टडीज में टॉपर थी, और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसी दौरान उनको किसी से प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली, लव मैरिज उसको अरेंज करवा लिया, घर वाले भी मान गए, शादी कर ली। और वैसे वैलेंटाइंस डे आने वाला है 2 हफ्तों बाद, सो ये वाली स्टोरी आप लोग रिलेट कर पाओगे। वैलेंटाइंस डे के दिन बहुत सारे आशिक कस्में खाते हैं जीने मरने की, एक साथ जिंदगी गुजारने की, बट अब सुनो उस लड़की के साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी शादी हुई, पहले तो उनके ससुराल वालों ने और उनके होने वाले हस्बैंड ने बोल दिया था कि आप जॉब कर सकते हो, लेकिन शादी होने के तुरंत बाद उनको जॉब करने से साफ मना कर दिया गया। और शादी में वो काफी अच्छा खासा पैसे और सोना चांदी गहने जो लड़कियां लेके जाती हैं वो उन्होंने मांगा भी था, कुछ लव मैरिज थी लेकिन फिर भी लड़के वालों की डिमांड्स थी, वो डिमांड्स भी पूरी की गई, पैसे वो लेकर के गई, गहने लेकर के गई, बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह सबके लिए जो होता है, और शादी के बाद ही जॉब के लिए मना कर दिया। सो वो बन गई पूरी टिपिकल हाउसवाइफ। होना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल, हमारी पेरेंट्स भी, मेरी खुद भी हाउसवाइफ रही है, लेकिन अगर एक लड़की पहले से जॉब करती आई है, वो जॉब करना चाहती है, वो टॉपर है, क्वालिफाइड है, तो उसको बोलना कि नहीं अब तुम जॉब नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें घर संभालना है, उसकी मर्जी के खिलाफ जा करके उसकी जॉब बंद कराना, ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। उस टाइम उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि कोई बात नहीं, पति अच्छा खासा कमाता है तो ठीक है, दोनों कमाएं, ये जरूरी नहीं, ये सोच करके उन्होंने जॉब के लिए फोर्स भी नहीं किया। कुछ साल बीतते चले गए और देखते ही देखते शादी के पांच साल में उनके 3 बच्चे हुए, और वो सारा टाइम पति, ससुराल, बच्चे में ही उलझी रही, अपने लिए कोई टाइम नहीं दिया, अपने करियर को आगे बनाया ही नहीं, अपने पैरों पे खड़े होते हुए भी वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई क्योंकि जॉब ही नहीं की, वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं मिला, कुछ किया ही नहीं। उन्होंने अपने मेल में ये भी मेंशन किया कि इस बीच उनको जब भी पैसों की जरूरत पड़ती वो मांगती अपने पति से, मुझे पैसे दो। उनके पॉकेट मनी वगैरह कुछ भी नहीं थी, पर्सनल सेविंग्स कुछ नहीं थी, उनको 2-3 रुपए
के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता था कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपने बच्चों पे खर्च करना चाहती हूँ या अपने पे खर्च करना चाहती हूँ। और घर में बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस, घूंघट करना, किसी से बात ना करना, कहीं बाहर नहीं जाना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर धीरे धीरे लगाई गई। शुरुआत में नहीं था, उनको लगा लव मैरिज हो रही है, सब कुछ सही रहेगा, आजादी मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, पूरी आजादी छीन ली गई थी। सो ये बहुत गलत होता है यार, शादी के बाद लड़कियों के ऊपर तो इतनी पाबंदी। पहले तो तुम गले में मंगलसूत्र पहना दो, बिंदी सिंदूर सब लगाओ, अच्छी बातें करो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप किसी की आजादी ही छीन लो खुल के जीने की। और लड़के के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं, वो फ्री था, अब जब मन जहाँ जाए, जब मन घर आए, किसी से भी बात करे, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाए, पर वही लड़की के लिए कोई फ्रीडम नहीं थी। यहाँ तक की स्टोरी भी बहुत कॉमन लगती है, ठीक है ये तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उनके साथ सही नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि कई लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। शादी के 6 साल गुजर जाने के बाद अब उनके पति को किसी और से प्यार हो गया है, वो किसी और से शादी करना चाहते हैं। डिवोर्स के लिए उन्होंने शर्त रखी है, मैं डिवोर्स तो दे दूंगा लेकिन कोई सेटलमेंट अमाउंट नहीं दूंगा, कोई पैसे नहीं दूंगा। होता है ना, अगर आप डिवोर्स लेते हो तो हर मंथ का आपको पैसे देना पड़ता होता है, मेंटेनेंस वगैरह, सो वो देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तो कुछ नहीं दूंगा। अब लड़की के अपने पर्सनल कोई सेविंग्स नहीं है, साथ में 3 बच्चे हैं, कोई करियर नहीं है, वो क्या करेगी। फिर भी उसने सोचा कि वो रिश्ता निभाए अपने पति के साथ, लेकिन पति इतना ज्यादा किसी और से प्यार करने में पागल हो रखा है कि उसने उसकी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ उसके साथ, बकायदा बहुत सारी चीजें मेंशन की थी, मैं सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेन चीजें मैं आपको बता रही हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, गाली गलौज, मार पिटाई बहुत हुआ, लड़की के घर वालों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया, बोला कि कोई बात नहीं आप एडजस्ट करो, समझाओ, घर वाले आपस में मिलते समझाते, बातचीत होती, पहले कहते हाँ ठीक है सुधर जाएंगे, नहीं करेंगे, ढंग से रखेंगे, बट फिर वही बैक टू द नॉर्मल, वही लड़ाई झगड़े मार पिटाई सब जारी रहा काफी सालों तक। और ऐसा करते करते 8 साल गुजर गए। 8 साल बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसको डिवोर्स दे ही देती हूँ, अपने दम पे दूंगी, किसी की मदद नहीं लूंगी, क्योंकि घर वाले ऑलरेडी मदद नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने पति का घर छोड़ा, किसी और घर में आके वो शिफ्ट हुई, और कैसे तैसे भी उन्होंने डिवोर्स फाइनली लिया, लेकिन डिवोर्स लेने में उनको और 5 साल लग गए। तो आप गिन लो शादी के कितने साल उन्होंने शादी बचाने में लगाए और कितने साल शादी को तोड़ने में लगा दिए। इस बीच फाइनेंशियली उनके पास कुछ भी नहीं था। आज की जनरेशन के 3 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपने आप को देखना, घर का पूरा खर्च चलाना और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना एक अकेली लड़की के लिए उसके बस की नहीं है, बहुत मुश्किल है। उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था कि उनको क्या 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 मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। और इंडिया में आज भी अगर कोई औरत अपने पति को छोड़ करके आती है तो उसको बहुत गलत तरीके से देखा जाता है, उसको यही बोलते हैं हाँ ये पति को छोड़ के आई है, ये तो डिवोर्सी है, ये तो अकेले रहती है, आदमी लोग गलत और बुरी नजरों से देखते हैं, सोशली एक्सेप्टेंस उतनी जल्दी नहीं मिलती है, वो भी अगर अकेली हो तो, मायके वालों का साथ हो तो फिर भी मिल जाए, अगर साथ नहीं है तो सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उनके लिए स्ट्रगल बहुत ही बुरा। एक तो बीइंग अ गर्ल इंडिया में हमें उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है, ऊपर से ये सारी चीजें होने के बाद तो बुरा ही हाल हो जाता है। हालांकि वो पढ़ी लिखी थी तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे जॉब करके अपना गुजारा चला लिया। इमेजिन अगर वो लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं होती तो पता नहीं उसको क्या कुछ ना करना पड़ता, मतलब हाँ ठीक है लेबर वर्क करके भी वो कमा सकती थी, लेकिन लेबर वर्क करके इतनी अर्निंग भी तो नहीं हो जाती है ना कि वो अपने बच्चों का गुजारा और खुद का गुजारा संभाले। मतलब वो एक अच्छी रिच फैमिली से थी, यहाँ से यहाँ आना ये अपने में बहुत बड़ा ट्रॉमा है। पर ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि इतना कुछ झेलने के बावजूद भी उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, अपने बच्चों के साथ भी गलत कर देती हैं, ऐसा कुछ नहीं किया, हिम्मत रखी और आगे बढ़ी। डिवोर्स लेने में 5 साल नहीं लगते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। मुझे लगता है कि उनको अवेयरनेस और प्रॉपर गाइडेंस की कमी रही होगी, इसलिए उनको इतना ज्यादा टाइम लगा, और शादी तोड़ने में ही उन्होंने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया कि क्या ही बात करें इस बारे में। देखो अब ये प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो सकती है, तो मैं इस वीडियो को बना करके आपको मैसेज क्या देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। स्पेशली जो माँ बाप है ना, आपका काम सिर्फ लड़की पैदा करना नहीं है, लड़की पैदा कर दिया, उसको लक्ष्मी बोल दिया, उसको पढ़ा लिखा के अच्छे घराने में, रईस घराने में शादी करा दी, कन्यादान कर दिया, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। लक्ष्मी घर में आई है तो लक्ष्मी की तरह उसको रखो, ठीक है, उसको पूरा एजुकेशन दो, ठीक है, एजुकेशन देना ही काफी नहीं है, उसको जॉब भी करने दो। शादी से पहले कम से कम 5 साल, कम से कम 3 से 5 साल लड़की को जॉब करने दो, उसको वर्क एक्सपीरियंस लेने दो, ठीक है। और जब भी आप लड़की की शादी करते हो, लड़की अगर जॉब करना चाहती हो, और इनफैक्ट हर लड़की को जॉब करना ही चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है यार, कब तक कभी पति पे, कभी पिता पे, कभी बॉयफ्रेंड पे कब तक डिपेंड होकर के रहोगे? आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि आप कमाओ और अपना गुजारा चला पाओ। शादी से पहले पिता पे डिपेंडेंट, शादी के बाद पति से, और इस दौरान कुछ लड़कियां बॉयफ्रेंड्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है, हमारा बॉयफ्रेंड हमारा खर्चा निकालता है,
ऐसा क्यों? जब मर्द लोग कमा सकते हैं, औरतें नहीं कमा सकती क्या? औरतें कमाती हैं और काफी अच्छा सैलरी पैकेज औरतें भी कमा के लाती हैं। सो क्यों आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना है? बैठे बैठे पैसे मिल जाते हैं, मजा तो बहुत आता है, लेकिन वही जो पैसे आपको दे रहा होता है आपका पति पिता या बॉयफ्रेंड, जब वो आपको छोड़ देता है, शादी के बाद पिता छोड़ देता है, और शादी के दौरान अगर पति छोड़ दे और बॉयफ्रेंड, तो इस बीच कहाँ रहेगा? कहीं रहेगा ही नहीं। तो फिर क्या कर लोगे? फिर किसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? फिर लड़कियां गलत रास्ते अपनाती हैं। तो गलत रास्ते वाली जिंदगी आप जीना चाहते हो या गर्व से जीना चाहते हो, अपने पैरों पे खड़े होकर इंडिपेंडेंट होकर प्राउडली जीना चाहते हो, तो आपके हाथों में है ना। सो अगर पेरेंट्स ध्यान ना दे तो आप ध्यान दो। एजुकेशन ली है, टॉपर हो ना हो, पढ़ाई की है तो जॉब करो। कम से कम 3 से 5 साल शादी से पहले जॉब करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, और शादी के बाद, शादी भी इस शर्त पे करो कि आप अपना काम नहीं छोड़ोगे। क्यों? लड़का क्या शादी के बाद जॉब छोड़ देता है? वो तो नहीं छोड़ता ना, वो तो जॉब करता है, तो फिर लड़की क्यों जॉब छोड़े? घर संभालने के लिए, घर संभालने के लिए तो आप किसी को 5-10 हज़ार रुपए देकर के घर के काम के लिए किसी को रख सकते हो ना। जिसको रखोगे वो भी जॉब करके अपना घर चलाएगी। बाकी आप भी अपना पढ़ाई से जॉब करो, आप काफी अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाएगी। अगर आपने अच्छा पढ़ा है, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, तो लाखों में कमा सकते हो। घर पे क्यों बैठना है आपको? घर के काम करने के लिए तो हाउस हेल्पर्स है ना। फिर आप क्यों शादी के बाद जॉब छोड़ करके घर का काम करना चाहते हो? उससे क्या मिलेगा? हाउस वाइफ जितनी भी होती है बहुत अच्छा काम करती है, उनको कोई सैलरी नहीं देता है, उनको कोई इज्जत भी नहीं देता। हर किसी की बात नहीं कर रही, बट मोस्टली लोग हाउसवाइफ को सोचते हैं, अरे ये तो घर का काम करती है, क्या है, हाउसवाइफ ही तो है, कोई वैल्यू नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सो क्यों आपको ऐसा काम करना है? मैं नहीं कह रही कि जॉब करोगे तो आप हाउसवाइफ नहीं रहोगे। ऑफ कोर्स यू विल बी हाउसमेकर, आप हाउसमेकर हो, पर साथ ही साथ आप जॉब भी करो ना, पैसे भी कमाओ ना, अपने पैरों पे खड़े रहो। आज की दुनिया में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। रिश्ते नाते हैं, बट पैसा होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सारे रिश्तेदार, पति पत्नी, दोस्त सब धोखा दे जाएंगे, पैसे धोखा नहीं देगा, वो होना बहुत जरूरी। अपनी पहचान बनाओ, आइडेंटिटी बनाओ, ठीक है। ये मेकअप की वीडियोस देखना, ब्यूटी हैक करना अच्छा है, ठीक है, बट बेसिक चीज क्या है? जॉब करना। जॉब के लिए क्या जरूरी है? वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। क्या वो है आपके पास? अभी मौका दे रहे, आपके पेरेंट्स आपको मौका देते हैं, आपकी जिंदगी आपको मौका देती है, तो उस मौके का फायदा उठाओ। जिस भी घर में शादी हो, पहले ये कंफर्म कराए कि शादी के बाद भी वो लड़की जॉब करेगी। जब पिता अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढे या लड़की की लव मैरिज करना चाहे, तो इस बात का ध्यान रखो कि जिस किसी से भी शादी हो रही है आपकी, अगर बाहर किसी लड़के से शादी कर रहे हो, जैसे अगर आप दिल्ली मुंबई में हूं, मैं मेरी शादी अगर होने वाली है और वो लड़का कहीं और रहता है, किसी भी दूर शहर में जहाँ पे मैं जो जॉब कर रही हूँ, उस जॉब की अपॉर्चुनिटीज वहाँ नहीं है, मुझे वो जॉब वहाँ करने को नहीं मिलेगा, तो मत करो शादी भाई। लड़के बहुत मिलेंगे, जॉब भी बहुत मिलेंगे, लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जाकर के अपनी पढ़ाई और करियर को क्यों खत्म करना है? किसी और, कोई और जीवन साथी ढूंढ लो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। शादी में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर किसी के होते हैं, जुबानी जंग तक सब कुछ जायज है, पर जैसे ही आपके पार्टनर ने आपके ऊपर हाथ उठाया, डोमेस्टिक वायलेंस की, शादी का वहीं खात्मा या पतन शुरू हो चुका है, समझ जाओ। कभी भी हाथ उठाने वाला पार्टनर आपके जिंदगी सवार या बना नहीं सकता है, वो आपको बस नर्क में ही ढकेल सकता है। ऐसे रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंसान शराब पी करके घर आता है, अपने बीवी बच्चों से लड़ाई झगड़ा मार पिटाई वगैरह करता है, वो कभी भी आपका आइडल हस्बैंड हो ही नहीं सकता, वो पति कहलाने के लायक नहीं। उसे छोड़ दो, अपनी जिंदगी बनाओ अलग। अगर जिस सब्सक्राइबर की मैं बात कर रही होती हूँ वो वेल क्वालिफाइड होती, एजुकेटेड होती, जब उसको एहसास होता कि उसके पति से उसको वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो उसको छोड़ देती और अपने दम पे अगले पैरों पे खड़ी होती। फाइनेंशियली वो परेशान नहीं होती, वो अपना गुजारा, अपने बच्चों का गुजारा आराम से निकाल लेती। इस सिचुएशन में मेरी सब्सक्राइबर की जिंदगी इतनी ज्यादा नर्क भरी नहीं होती। ऑफ कोर्स किसी पार्टनर को छोड़ना, डिवोर्स लेना इजी नहीं है, मेंटल ट्रॉमा है ये, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो तो वो ज्यादा मेंटल ट्रॉमा होता है। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो तो आप अपनी जिंदगी के फैसले ले सकते हो, अपनी जिंदगी को अपने मन चाहे अनुसार सवार सकते हो, पैसे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी ग्रोथ, आपका नेम फेम सब आपको बदल सकता है। आपकी, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा आपके साथ, पर उसके लिए आपका एजुकेशन लेना, वर्क एक्सपीरियंस लेना, जॉब करना, पैरों पे खड़े होना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स समझें, सिर्फ दहेज देना, कन्यादान करना, बेटी को पढ़ाना इज नॉट इनफ। अपनी बेटी को उसके अपने नाम की पहचान देना, यार ये ट्रेडिशन मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले हम अपने पिता का नाम लगाएं अपने नाम के बाद, और उसके बाद अपने पति का नाम लगाएं, है ना, सरनेम। हमारी खुद की पहचान कहाँ है? खोकर की रहेगी। बी नेचुरल की जितनी भी सब्सक्राइबर्स है, मैं चाहती हूँ कि यार प्लीज, मैंने अपनी पहचान बनाई है, आप भी अपनी पहचान बनाओ, नाम बनाओ, पैरों पे खड़े हो, कुछ इंस्पिरेशन लो। दीदी दीदी बोलते हो तो दीदी से कुछ सीखो भी, ठीक है।
बैठ करके सिर्फ डीआईवाई और मेकअप तक ही सिमट करके ना रहो। इसका मतलब ये नहीं कि ये ना करो, ऑफकोर्स बीइंग अ गर्ल हमें अच्छा लगता है सजना संवरना तैयार होना, बट ये दूसरों के लिए ना क्या करो, खुद के लिए करो। सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है, खुद से प्यार करो, और कोई आपके रिस्पेक्ट ना करे उससे कट लो, दूर हो लो, ठीक है। अपनी इंपॉर्टेंस खुद दोगे तो ही दुनिया आपको इंपॉर्टेंस देगी। खुद के अंदर अपने बारे में कॉन्फिडेंस लेके आओगे तभी दूसरा आपको सोचेगा कि हाँ आप में कोई बात है, फिर आपकी बातें होंगी। सो अपने आप को औरों से कम समझना बंद कर दो। सो इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज मैं हर लड़की से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे कमेंट करके जाओ कि आप पहले अपने पैरों पे खड़े होगे, पहचान बनाओगे, फिर शादी करोगे, और शादी के बाद भी अपनी पहचान बनाने का सिलसिला रोकोगे नहीं, लेजी नहीं बनोगे, और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे, आत्मनिर्भर बनोगे, ठीक है। और ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के ऊपर भी लागू होती है सेम चीजें। कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां लड़के भी टॉर्चर हुए हैं अपने पार्टनर के द्वारा, तो वो भी ना हो पाए। और लड़की वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अपनी बहनों तक पहुंचाओ, ठीक है, और अपनी गर्लफ्रेंड्स को, जो होने वाली आपकी वाइफ हो सकती है, मे बी वैलेंटाइंस डे पे आप जाओगे उनके साथ घूमने के लिए, या फिर आप कर रहे होगे लाइफ में शादी करने के लिए, तो आप उनके बारे में भी सोचो कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहें। उनका करियर मत खराब करना अपने करियर के चक्कर में। हम लड़की अपनी लाइफ में बहुत सैक्रिफाइस करती हैं, बहुत, जिसकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सहन शक्ति होती है, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं अपने अपनों से, लेकिन बदले में हमें उतना मिलता नहीं है, कुछ कईयों को मिलता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। मेरी इमोशंस की ग्रेविटी समझो, बात समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो इस लड़की के साथ हुआ ये किसी लड़की के साथ अब आज के बाद ना हो। इस वीडियो को देखा है आपने तो आपके साथ तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये जरूरी नहीं था कि मैं इस टॉपिक को उठाऊं और बात करूं, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि जो लड़कियां मुझे देखती हैं वो कल को रोएं ना, और उनकी जिंदगी खराब होने से अगर मेरी ये वीडियो उनकी मदद कर पाए, बचा दे, तो मुझे लगता है कि बी नेचुरल सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं बहुत सारी गर्ल्स टॉक बॉयज टॉक की बात करती हूँ, लेकिन ये वाली टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली। सो आप अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना, और अगर ऐसी सिचुएशन में आप रहे हो तो आपने क्या किया वो भी मुझे जरूर बताना। मेरी छोटी छोटी वीडियोस देखने के लिए रेखा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल व्लॉगिंग देखनी है, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी देखनी है, तो मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, वहां भी आके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दैट्स इट फॉर टुडे, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।